योगा टीचर ब्लडी है, मतलब 70 साल की बुढ़ी होगी। बेटा यूरी है, लिस्ट में मिसेस सिमरनजीत कौर नहीं लिखा? मिस सिमरनजीत लिखा। चट भाई साहब, बुढ़िया को कोई मिलता तब जाके मिसेस बनती ना। मिस सिमरनजीत कौर, ये व्हाई मी मैन, मैंने क्या क्राइम किया जो ये योगा टीचर मेरे सर पड़ गई? मैं तो यहाँ एक सोल्जर बनने आया था। यार यूडीए, सोल्जर तो तू बन ही जाएगा, पहले मर्द तो बन जा। बड़ी मीन बड़ी। हाँ मैं मर्द ही हूँ, तुम्हें शक है? ध्यान रखना यार यूडीए। वैसे तुझे अपनी लाइफ को दमदार बनाने के लिए ना एक कतली पंजाबन की जरूरत है। क्यों पूजा? बिल्कुल। एक मिनट, ये तुम्हारा मतलब है कि ये मिस सिमरन ये इसके रिश्तेदार टाइप से होगी? फ्रॉम जलंधर, कपूरथला, पटियाला। ओए क्या खराबी है मेरे रिश्तेदारों में? हाँ फॉरगेट इट पूजा, डोंट माइंड। नहीं नहीं, अब बात छेड़ी है तो बोल ही दे। पूजा तुम नहीं समझोगी यार, एक्चुअली मेरा जो आइडिया है ना ब्यूटी के बारे में ना, बोल। ओके लुक, इस टॉपिक पे मैं तुमसे डिबेट नहीं करना चाहता, बट हाँ औरतों के बारे में, यहाँ जितने भी है ना इन सब के कंसेप्ट से मेरा कंसेप्ट थोड़ा हटके है, बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा जैसे? जैसे 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 माय डियर फ्रेंड, माय पिक्चर परफेक्ट वुमन नैटली पोर्टमैन, मेग रायन, लिटिल बिट ऑफ जेनिफर एनिस्टन, यू सी। मुझे नहीं लगता तुमने ये नाम पहले कभी सुने भी हैं। सो लेट मी ट्राई अगेन, प्रीति जिंटा। ओए तो ऐसे बोला, मेरे वीडियो आ रहा। हाँ हाँ अब बता, सुन रही हूँ। या राइट, एनीवेज यू सी शी गॉट टू बी अ लिटिल बिट बोहो। जस्ट टू क्वेश्चंस, ए मेजर भार्गव कहाँ मिलेंगे एंड बी हु इज कैडेट? वन मोमेंट, यदुवंश सहानी। मैनन दोनों आप काम बोलिए ना मैम, ये हुड्डा आपको जो चाहिए ना वो ला कर देगा। हुड्डा इसका मतलब तुम यदुवंश सहानी नहीं हो, राइट? नाइस, पर मुझे मसल्स बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि ये शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देता है। एनीवेज थैंक्स यूडी, राइट? मैं अगर तुम्हें यूडी बुलाऊं तो आई होप तुम माइंड ना करो। श्योर मैम, ऑफ कोर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे यूडी बुलाते हैं। ग्रेट, बट टू थिंग्स, ए मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूं, सिमरन हूं, इस अकेडमी की योगा टीचर। अ मेंटर। मेंटर? योगा टीचर? क्यों? एनी प्रॉब्लम? एनीवेज, नाइस मीटिंग यू। शॉर्ट बट स्लिम, परफेक्ट। इस बॉडी को टोन अप करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एंड नाउ पॉइंट बी, हम बहुत जल्द मिलेंगे, से अबाउट अराउंड 2 o'clock, और उससे पहले आई हैव टू मीट दिस मेजर भार्गव, और उसके बाद 5 minutes को शिट शावर एंड शेव, ओके? एंड अब मुझे कोई बताएगा कि मेजर भार्गव कहाँ मिलेंगे? ना जीरो ना मैम, अब बस बोलिए, आइए इधर, मैं लेकर चलता हूँ आपको। ओ यूडीए, ये शिट चार तो समझा, पर ये शेव? शी इज बोहो मैन, कंप्लीटली बोहेमियन, शी इज अ फ्री सोल जस्ट लाइक मी। आई लव यू मेजर भार्गव, आई लव यू। Get back. Yes, sir.
सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, एक बहादुर सिपाही का जोश कभी ठंडा नहीं होता। मैं जानता हूं कि मेंटर के लिए मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस था, और मेरे लिए भी तुम जैसा डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड कैडेट का मेंटर बनना बहुत गर्व की बात होती। जिस दौर से तुम गुजर रहे हो, उस दौर से मैं बहुत पहले गुजर चुका हूं। कैडेट बेग, मेरे फादर आर्मी में सूबेदार थे। उन्होंने अपनी हर खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया सिर्फ अपने एक सपने के लिए। वो अपने बेटे को आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में देखना चाहते, और मैंने उनका सपना पूरा किया। कैडेट बेग, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करोगे। यस सर। पर कैडेट बेग, जहां उम्मीदें होती हैं वहां बेईमानी आती है, तो मैं नहीं चाहता कि देश के होने वाले इस होनहार सिपाही की बुनियाद में बेईमानी और पक्षपात की मिट्टी हो। यस सर। चेयर अप कैडेट, जब कभी कंफ्यूजन हो, जब कभी कोई सवाल हो, बेझिझक मेरे पास चले आना। राइट सर। तुम्हें मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, वो कैडेट हो जिसके लिए कल मेजर भार्गव सीना तान कर फक्र से बोलेगा, ऑफिसर अली बेग मेरा कैडेट था। यस सर। डिसमिस। कैडेट, मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में मैं तुम्हारे साथ कुछ डिटेल्स डिस्कस करना चाहती हूँ, शैल वी? यस मैम। ओके कैडेट हुडा, एज यू नो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम के पहले पार्ट का फर्स्ट सेशन है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारी मेंटर बनूं या तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं तुम्हें और थोड़ा करीब से जानूं। जी मैम। ओह माय गॉड, यू कैडेट्स हैव अ वन ट्रैक माइंड। मेरा मतलब था बातों से, दैट्स ऑल। कैडेट, तुम मुझे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हो? लाइक एक्सक्यूज मी मैम। यस। टू ऑल के एम ए फैकल्टी मेम्बर्स, मेंटोरशिप प्रोग्राम के फर्स्ट सेशन की सभी डिटेल्स रिकॉर्ड करके मुझे रिपोर्ट की जाए। साइंड मेजर भार्गव। थैंक यू। हाँ, सो तुम मुझे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बता रहे थे, राइट? एंड कैडेट, प्लीज डोंट हेजिटेट, तुम अपना दिल खोल कर मुझे बता सकते हो। सॉरी मैम, वो तो मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैम, मेरा दिल खुद मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने कब का उस फूलन को दे दिया जिसे मैं बहुत प्यार करते हो, राइट? जी, हमें तो प्यार है अपने देश से, हमारे अब्बू अम्मी, हमारी बहनें, इस एकेडमी से। और कैडेट? हाँ, वो हमारी जो दूसरे नंबर की छोटी बहन है ना, उससे हम थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते हैं। कैडेट, और मुझसे? नो मैम। कम अगेन कैडेट। हमारा मतलब मैम कि अगर आपके दिल में किसी के लिए इज्जत हो तो वो भी प्यार कहलाता ना मैम, तो मैम हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं मैम। तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई कैडेट। ईमानदारी से सर, आई डोंट हेट यू, लेकिन मैं करता हूं तुमसे, सारी औरतों से, तुम्हारे इस ज्वेलरी से और तुम्हारे इस मेकअप से। माइंड यू कैडेट भाई, इस प्रोग्राम के दौरान और इस प्रोग्राम के बाद भी तुम ये मेकअप नहीं लगाओगी। बीच में क्या सर, अभी भी नहीं, बाद में भी नहीं। बोल के नहीं, करके दिखाओ कैडेट भाई। वाइप योर लिपस्टिक। बस सर, थोड़ी सी लगा ली थी। कल से थोड़ी सी भी नहीं दिखनी चाहिए कैडेट खाई। नो लिपस्टिक, नो नेल पॉलिश। नेल पॉलिश? सर, उससे तो मेरा कनेक्शन ही नहीं है। ये देखिए सर। और तुम्हारे पैरों में? रिमूव योर शूज। सर, वो थोड़ी सी लगा ली थी, पर सर आई प्रॉमिस मैं उसको डिलीट कर दूंगी। मेरा मतलब है साफ कर दूंगी, प्रॉमिस। सर, राजवी सर। लगता है रूम में ही नहीं है। करेक्ट लेना।
तुम्हारा असली इंटरव्यू आज 20 आवर्स पर होगा इन माय केबिन ड्रेस कोड कैजुअल्स कैप्टन राजवीर इंटरव्यू वेपन हथियार एक सिपाही का दूसरा हाथ और एक क्रिमिनल का साथ जिस जुर्म की दुनिया से तुम आए हो कैडेट आलेख वहां तुम्हारा पाला इन वेपन्स से जरूर पड़ा होगा आर्मी में मुझे वेपन्स एक्सपर्ट मानते हैं और क्योंकि मैं तुम्हारा मेंटर हूं इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें अपने से बेहतर नहीं तो कम से कम अपने जैसा बनाऊं जो मैं बनाऊंगा लेकिन उसके पहले कैडेट आलेख तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम वाकई में मेरे स्टूडेंट बनने लायक हो या नहीं कैडेट आलेख कोई भी हथियार उठाओ और अटैक करो सिर्फ बार ही नहीं अपने आप को भी बार से बचाओ और उसके लिए तुम्हारे रिफ्लेक्सेस और रिस्पॉन्सेस में चीते जैसी तेजी होनी चाहिए बट आई डाउट शराब से भरी हुई तुम्हारी बॉडी में वो तेजी होगी या नहीं डू नॉट वेस्ट एनी टाइम कैडेट आलेख बहुत नफरत करते हो ना तुम मुझसे अपने हाथों को नहीं तो कम से कम अपनी नफरत को वार करने दो एंड डू नॉट बी अंडर द इंप्रेशन कि अगर तुम अटैक नहीं करोगे मैं अटैक नहीं करूंगा आपकी आर्मी क्या सोचती है लेकिन जिस जुर्म की दुनिया से अपुन आया है ना वहां अपुन ने सिर्फ एक चीज सीखी है कि किसी को देख के भी विश्वास नहीं करने का क्योंकि आदमी के खाल में भी जानवर छुपा होता है रेस्ट पहली बार डिसमिस सर सर ये सब क्या है सर इंटरव्यू और ऐसे सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नैना मेंटोरशिप प्रोग्राम का सबसे बड़ा रोल होता है ट्रस्ट हम एक दूसरे के ऊपर कितना भरोसा करते हैं कितना विश्वास करते हैं मैं तुम्हारा मेंटोर हूं लेकिन तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हो सर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं अगर एकेडमी में मैं किसी पे ट्रस्ट करती हूँ तो वो सिर्फ आप हैं सर नैना कितना ट्रस्ट करती है मुझ पर किस हद तक सर आप मेरा विश्वास कीजिए बैठो नैना ऐसी बात नहीं But just think a bit differently. मैं विश्वास करता हूं पर सिर्फ कैडेट नैना सिंह पर नैना सिंह पर नहीं क्योंकि बिना केएमए की यूनिफॉर्म वाली नैना को तो मैं जानता हूं पर सर मैं नैना ही तो हूं तुम नैना नहीं हो वो नैना जिसे मैं जानना चाहता हूं नवीन की मौत से पहले वाली नैना वो नैना जो कभी अपने आर्मी वाले भैया की चिट्ठियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी वो नैना जो शायद अपने भैया की वजह से अपनी सहेलियों के बीच में बहुत पॉपुलर भी थी वो नैना जो जिसकी सारी सहेलियां चाहती होंगी कि वो किसी तरह नैना के थ्रू उसके आर्मी वाले भैया के करीब पहुंच जाए कैसी कभी नैना थी हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे घर पर ही रहती थी उनको पता नहीं कोई ना कोई काम पड़ ही रहता था छुट्टियों में जब भैया घर आया करते थे ना तो मेरी सारी फ्रेंड्स की लाइन लग जाती थी एक जाती थी तो दूसरी आती थी सब भैया की इतनी बड़ी फैंस थी और सर पता है फिर क्या होता था उनको उसी टाइम मुझसे कोई ना कोई काम ही पड़ जाता था
कोई नोट्स के बहाने तो कोई शॉपिंग के बहाने, और सर कई कई तो इतनी स्टूपिड होती थी ना, वो भैया को सीधा डेट के लिए पूछ लेती थी, और सर इट वाज सो एम्बैरेसिंग, कई तो मेरे बैग में भैया के लिए कार्ड्स छुपा के चली जाती थी, टू डियर नवीन, फनी ना। और फिर कुछ भी नहीं सर, बस मेरी पढ़ाई खत्म हुई और मैंने अपने कैट के एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी। उसके कुछ ही दिन बाद भैया की डेथ की खबर आई और सब कुछ बदल गया। माँ बाबा वो तो जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते थे, वो नवीन भैया जैसा ही लड़का चाहते थे मेरे लिए। तो क्या वो लड़का तुम्हें कभी पहला? पता नहीं, पर माँ बाबा तो अभी तक ढूंढ रहे हैं। अपने दामाद में शायद अपना बेटा ढूंढ रहे हैं वो तो, पर मुझे नहीं लगता कभी मिलेगा, क्योंकि भैया जैसा परफेक्ट जेंटलमैन तो कोई हो ही नहीं सकता। वो तो इतने केयरिंग, इतने प्रोटेक्टिव और एक परफेक्ट जेंटलमैन थे। इसीलिए सर हम मैं यहाँ पे हूँ KMMA, आपके पास। नैना, कहते हैं ना दिन के बाद रात होती है और रात के बाद एक नया दिन, फिर एक नई रात, लेकिन फिर एक नया दिन। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा है, यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी में वो लड़का जरूर आएगा। मैं यूं कहूं कि आ चुका है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।